एवरी वन वेलकम टू लॉजिक पार्ट शाला चैनल आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट पार्ट टू सो लेट्स बिगिन द सेशन क्वेश्चन वन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज टू हैव द बॉडी ऑफ सो आपने ये चार रिट्स मैंने आपको गिवन है तो आपने बताना है कौन सी रिट का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ सो आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए दैट इज़ हैबियस कॉर्पस सो बॉडी का मतलब यहाँ पे क्या है संस्था जैसे कि क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बोला गया है वेल हैबियस कॉर्पस की बात करें तो इसमें क्या था जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर पुलिस ने किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया है अनलॉफुल वे से तो वह ये रिट क्या कर सकता है वह यह रिट कर सकता है हेबियस कॉर्पस मैंडमस की बात करें तो मैंडमस में क्या था कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस में कोई काम करने से मना कर दे तो उसके अगेंस्ट हम कौन सी रिट फाइल कर सकते हैं मैंडमस क्यू ऑफ की बात करें तो इसका मतलब क्या था बाय वट अथॉरिटी सर्चरी में क्या था कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वह क्या कर सकती है हाई कोर्ट के डिसीजंस को क्या कर सकती है क्वैश कर सकती है मतलब खारिज कर सकती है

सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर वन दैट इज राइट टू प्राइवेसी और ये कौन से आर्टिकल में आता है आर्टिकल ट्वेंटी वन में इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो ये आपका आर्टिकल फोर्टीन में है और वायोलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करें तो आर्टिकल सेवेंटीन है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस की बात करें तो ये आपका कौन सा आर्टिकल है ये आपका आर्टिकल नाइनटीन है नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड वेल अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएं तो फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है तो कौन करता है इन्हें सस्पेंड तो आपके पास चार ऑप्शन हैं आप इन एक बार देख लीजिए सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्रेजिडेंट वेल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इन्हें सस्पेंड किया जाता है कौन से आर्टिकल में आर्टिकल 358 एंड 359 में तो वेल well, अगर हम जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लगती है जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी तो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल थ्री में तो क्या होता है कि जो प्रेजिडेंट है तो वह किसकी सहमति से मतलब उनसे रिटर्न में लेकर तो ये नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं तो ये जो आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो इसके क्या ग्राउंड है कौन से बेसिस के ऊपर लगती है जैसे कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया वॉर हो गया और आर्म रेबेलियन हो गया तो जो आपका आर्म रेबिलियन था इसे पहले क्या किससे जाना जाता था इसे कहा जाता था इंटरनल डिस्टर्बेंस फिर एक अमेंडमेंट हुई जिसमें कि इसे क्या कर दिया इसको चेंज करके कर दिया आर्म्ड रेबेलियन तो अगर हम आर्टिकल 358 की बात करें तो जब इसके बेसिस के ऊपर हम एमरजेंसी का लगा करते हैं तो कौन सा सस्पेंड है आपका आर्टिकल जो आपका आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता तो वह है आपका आर्टिकल नंबर नाइनटीन यह सस्पेंड नहीं होता जो कि है राइट टू फ्रीडम जो आपकी आर्टिकल 358 के बेसिस के ऊपर जो लगती है इमरजेंसी तो उसके क्या रीजन है उसके रीजन होते हैं आपका वॉर और एक्सटर्नल एग, एग्रेशन और जो इसके अंदर आपकी जो इमरजेंसी लगती है यह इंटायर कंट्री में लगती है 359 की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनकी इन्फोर्समेंट खत्म की जा सकती है तो इसमें जो ग्राउंड होते हैं या जो बेसिस रीजंस होते हैं इमरजेंसी लगने के तो वह होते हैं आपके इंटरनल में बात करें तो आपका आ जाएगा आर्म रविलियन और एक्सटर्नल इमरजेंसी में करें तो वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन तो इसमें क्या है इनका डिफरेंस क्या है इसमें थ्री ग्राउंडस हैं एमरजेंसी लगने के और इसके क्या है दो रीजन्स हैं ठीक है और इसके अंदर आपका आर्टिकल जो 20 और 21 है ना ये आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते ठीक है जी नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर अंडर विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स अंडर अ प्रोविजन टू प्रोवाइडेड टू अटीजन तो कौन से आर्टिकल में आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स सो ये आपके आते हैं आर्टिकल ट्वेल्व टू थर्टी फाइव तो इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं फंडामेंटल राइट्स को ही क्या कहा जाता है मैगना काटा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये कौन से पार्ट में आते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स पार्ट थ्री में नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल rights इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके पास चार ऑप्शन एक बार देख लीजिए so, जो आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो वैसे तो इन्हें हम अमेंड नहीं करते लेकिन जब इन्हें अमेंडमेंट की बात आती है इनके तो इनको अमेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट मतलब कि दो तिहाई हमें क्या चाहिए हमें उसकी मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जब यहाँ से यह पास हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनसे भी रेटिफिकेशन चाहिए जैसे कि हमारी फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमारे टोटल स्टेट्स ले लेते हैं कि थर्टी हैं फॉर एग्जाम्पल तो हम उसमें क्या चाहिए हमें जो सिक्सटीन स्टेट्स हैं इनकी रेटिफिकेशन चाहिए इनकी मंजूरी चाहिए ठीक है नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग राइट डज नाट डॉट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गारंटी तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा राइट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी कि गारंटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं देता तो आपके पास चार ऑप्शनस हैं आप इनके आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज राइट टू इक्वल होम यह हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो यह आपके कौन से आर्टिकल में आता है फोर्टीन टू एटीन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो यह आर्टिकल ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका आता है आर्टिकल नाइनटीन में सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ़ द फॉलोइंग रेट्स इज कॉल्ड बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम सो so, आपने ये चार आपके पास ऑप्शंस हैं और आपने ये बताना है कि कौन से रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्र का गढ़ कहा जाता है तो वेल आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज़ हेवियस कॉर्पस वेल मैंडमेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं सो so इन्हें फिर से डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो हम क्या करेंगे इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी Now moving to question number, which fundamental right in the Indian Constitution includes equal access to shops, bathing, ghats, hotels, etc. So आपके पास ये बताना है कि कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसमें कि दुकानों सनान घाटों होटलों आदि तक ये क्या है आपके मतलब वहाँ पे equal access होना चाहिए कि वहाँ पे कोई भी जा सकता है चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है चाहे वह किसी भी कास्ट से belong करता है तो वहाँ पर वह जा सकता है तो ये आपका कौन सा आएगा आपके पास चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, इसका आंसर आपका है कौन सा ऑप्शन नंबर सी दैट इज राइट टू इक्वालिटी की सबको क्या है समानता का अधिकार है वेल राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम की बात करें तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें तो आर्टिकल 25 फाइव टू ट्वेंटी के बीच में आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपके आते हैं आर्टिकल 29 नाइन टू थर्टी के बीच में Now moving to question number nine. Part three of the Constitution of India relates to भारत के संविधान का भाग तीन किससे संबंधित है So आपके पास चार options है आप इन्हें एक बार देख लीजिए वेल well, इसका आंसर तो अब सभी को आता होगा दैट इज आपके फंडामेंटल राइट्स तो ये आपके पार्ट थ्री में आते हैं और हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए थे आपके यूएसए से और इसे क्या कहा जाता है मैग्ना काटा और ये किसने कहा था इसको बी आर जी ने और कौन से आर्टिकल्स में आते हैं आपके ट्वेल्व टू थर्टी फ़ाइव में आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स बात करें डी की तो यही आपका आता है पार्ट फोर में आर्टिकल थर्टी सिक्स टू फिफ्टी वन में और ये हमने कहाँ से लिए थे ये हमने लिए थे आयरलैंड से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो ये आपकी आती है पार्ट फोर ए में और funda, कौन सा आर्टिकल फिफ्टी वन ए में और कौन सी कमेटी लाई थी इसे इसे लाई थी स्वर्ण सिंह कमेटी फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ को और पहले हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वह थी दस और एक अमेंडमेंट हुई थी जिसमें यह एटी सिक्स अमेंडमेंट में यह हमारी ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई थी सिटीज़नशिप की बात करें तो यह आपका आता है पार्ट टू में और सिटीज़नशिप हमने कहाँ से ली थी यू से और कौन सी सिटीज़नशिप है हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीज़नशिप और कौन से आर्टिकल में है यह आपका फ़ाइव टू इलेवन

कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रोहिबिशन लगाना मतलब रोकना उनको तो यह आपका आर्टिकल आता है ट्वेंटी फोर में तो ये भी आपका ठीक है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन सो आपको क्या है आपको स्वतंत्रता है कि आप कोई भी धर्म को क्या कर सकते हो प्रोफेस कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रोपागेट कर सकते हो तो यह भी आपका ये कौन से आर्टिकल में आता है आपका आर्टिकल ट्वेंटी फाइव में तो यह आपके तीनों के तीनों ही फंडामेंटल राइट्स में कवर होते हैं तो इसका आंसर क्या बन जाएगा इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी दैट इज वन टू एंड थ्री नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर इलेवन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज़ प्रोक्लेम्ड बाय सुप्रीम कोर्ट सो आपके पास चार ऑप्शन है आप इन एक बार देख लीजिए वेल well, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज केशवानंद भारती केस और ये कब आया था आपका 1973 में अगेंस्ट केरला वेल गोलकनाथ केस की बात करें तो यह आपका आया था 1967 किसके अगेंस्ट था यह आपका था पंजाब स्टेट के अगेंस्ट इसमें क्या था कि जो पार्लियामेंट है इस इन्होंने क्या किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कहा था कि जो पार्लियामेंट है फंडामेंटल राइट्स कभी भी कर्टेल नहीं कर सकती मतलब उन्हें कम नहीं कर सकती मिनेरवा मिल केस की बात करें तो यह आपका आया था नाइनटीन में और इसका क्या डिसीजन था इसका यह डिसीजन था कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की तो उसकी लिमिट उसको क्या किया था उसको लिमिट कर दिया गया था ठीक है गोपालन केस की बात करें तो ये आपका 1950 में आया था और इस केस में क्या हुआ था इस केस में आपका ये अगेंस्ट था मद्रास स्टेट और ये था किसके क्या था केस इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अगेंस्ट ये हुआ था नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन विच नंबर ट्वेल्व इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन हेबियस कॉर्पस रिट इशू रिट इज इशूड सो आपके पास चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो so, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा फॉल्टी पुलिस डिटेंशन सो इसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो आपने ये बताना है कौन से पार्ट को डिस्क्राइब किया गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द वर्ड हिंदूज इन आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड सो जो आपका ये बताना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद पच्चीस में हिंदू शब्द शामिल मतलब किसको नहीं शामिल कर रहा है इन चार ऑप्शन में से तो आपके पास चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए वह well, अगर हम इसमें बात करें तो हिंदू में क्या क्या इंक्लूड किया गया था उसमें बुद्धिज़्म जैनिज्म सिखिज़म और क्या है आपका हिंदुज़्म so, क्या नहीं इंक्लूडेड दैट इज पार्सीज ठीक है नाउ मूविंग टू क्वेश्चन इन विच इयर वॉज द प्रिवेंशन ऑफ टैरिज्म के पास चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए सो वेल पोटा आपका कब किया गया था इन एक्ट ई आप गया था इन एक्ट टू थाउजेंड टू इसमें क्या हुआ था जब टैरिज्म बहुत बढ़ गया था तो एंटी टेरिज्म के लिए यह कानून लगाया गया था जो कि दो हजार दो में लागू किया गया था नाव मूविंग टू क्वेश्चन नंबर वेन वॉज द राइट टू इन्फॉर्मेशन इनैक्टेड इन इंडिया भारत तो आपको ये बताना है कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये कब लाया गया तो आपके पास चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए वेल राइट टू इन्फॉर्मेशन की हमने कल भी बात की थी तो ये कब लाया गया था तो ये आपका लाया गया था 15 जून 2005 तो वेल जो ये पास हुआ था यह आपका पास हुआ था फिफ्टीन जून में ठीक है और इसकी कमेंसमेंट मतलब इसे कब किया था लागू तो वह किया था बारह अक्टूबर 2005 को ठीक है ये दोनों डेट्स याद रखना तो ये पेपर में पूछी जाती हैं वेल well, इसने किसको रिप्लेस किया था राइट टू इन्फॉर्मेशन से पहले पहली बात तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये आपका आता है आर्टिकल नाइनटीन वन ए के अंदर और इसने किसको रिप्लेस किया था इसने रिप्लेस किया था फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट 2002 जो कि मैंने आपको कल भी बताया था और इसमें क्या होता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वह कैसे काम कर रहा है और वहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं और क्या था इसको आपको थर्टी डेज के अंदर वह आपको क्या देते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं वेल मूविंग टू क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है बात करें अगर हम ऑप्शन ए की तो इसमें क्या लिखा है इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें जो नेहरू जी की बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू जी की जो कि किसके फादर हैं किसके फादर थे जवाहरलाल नेहरू जी के तो इन्होंने क्या लाए थे ये रिपोर्ट लाए थे और उसमें क्या किया था उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी फिर क्या हुआ था 1931 में एक आपका कराची सेशन हुआ था जिसकी प्रिसाइड किसने किया था वल्लभ भाई पटेल जी ने और इसके अंदर क्या हुआ था इसमें फंडामेंटल राइट्स को रेजोल्यूशन के लिए यूज़ किया गया था जिसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने ठीक है नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो उसमें मोतीलाल नेहरू होंगे बात करें अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में तो फंडामेंटल राइट्स की नहीं किसकी बात की गई थी डीपीएसपी की जिसे कि हमने क्या कहा था इंस्ट्रूमेंट क्या था इंस्ट्रक्शंस ठीक है और फंडामेंटल अगस्त ऑफर की बात करें तो इसमें फंडामेंटल राइट्स नहीं थे क्रिप्स मिशन में भी नहीं थे तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसबल इन नेचर तो आपके पास चार ऑप्शन आप इन एक बार देख लीजिए तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स तो ये क्या है जस्टिसबल जैसे कि हम क्या कर सकते हैं रिट डाल सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत 32 के तहत कहाँ है सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स मैंने बताया था और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट डाल सकते हैं और लीगल राइट right के लिए भी रिट डाली जा सकती है और रिट पावर किसकी ज़्यादा है आपके हाई कोर्ट की नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द सर्टिन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू तो इसमें जो कुछ जो हम फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए जाते तो ये किसे नहीं दिए जाते फॉरनर्स को नहीं दिए जाते वेल well, अगर हम बात करें कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के सिटीज़न्स के लिए हैं जैसे कि आपका आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये क्या है एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स ठीक है ये फॉरनर्स को नहीं दिए जाते नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू फॉरन सिटीज़न सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल है जो कि फॉरनर सिटीज़न को नहीं देता फॉरन के सिटीज़न को नहीं देता तो वह आपका आर्टिकल नंबर नाइनटीन दैट इज राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वेल well, अब हम कल वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो कल मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछे थे आपका पहला क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका आंसर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्वेश्चन टू इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय तो किसने करी थी ये आपका कौन से एक्ट में था तो यह था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्वेश्चन नंबर थर्ड वॉज इन विच अमेंडमेंट सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड्स को हमने ऐड किया था तो ये कौन सी अमेंडमेंट थी ये थी आपकी अमेंडमेंट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स सो आज के आपके क्या क्वेश्चन हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल क्वेश्चन नंबर टू इज विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल ट्वेंटी राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द आर्टिकल सेवनटीन एंड एटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सो ये आपके आज के क्वेश्चन हैं इन्हें आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं एंड थैंक